भारत और श्रीलंका के बीच सीरीज का चौथा मैच गुरुवार 31 अगस्त को कोलंबो में खेला जाना है। भारत पहले ही 3-0 से सीरीज जीत चुका है और अब टीम इंडिया की नज़र सीरीज में क्लीन स्वीप करने की होगी। वहीं श्रीलंकन टीम को ये मैच सिर्फ साख बचाने के लिए नहीं जीतने होंगे, बल्कि उनको वर्ल्ड कप 2019 में डायरेक्ट क्वालिफाई करने के लिए भी ये मैच हर हाल में जीतने होंगे। भारत के खिलाफ वनडे सीरीज शुरू होने से पहले श्रीलंका की टीम आईसीसी टीम रैंकिंग में 88 अंक के साथ 8वें स्थान पर बनी हुई है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की विजेता पाकिस्तान और सेमीफाइनल तक का सफर तय करने वाली बांग्लादेश टीम ने पहले ही अपने उम्दा प्रदर्शन के बदौलत 2019 वर्ल्ड कप में जगह पक्की कर ली है। 30 सितंबर 2017 वर्ल्ड कप क्वालिफाई करने की आखिरी तारीख है और 8वीं टीम के तौर पर श्रीलंका और वेस्टइंडीज टीम आमने सामने होगी। अब ऐसे में श्रीलंका को भारत के खिलाफ बचे हुए दोनों मैच हर हाल में जीतने होंगे। अगर श्रीलंकाई टीम भारत के खिलाफ बचे हुए दोनों मैच जीत लेती है तो वो 90 अंक के साथ सीधा वर्ल्ड कप 2019 के लिए क्वालिफाई कर जाएगी, लेकिन इसकी उम्मीद बेहद कम लग रही है। वहीं इस मैच में धोनी भी एक मुकाम हासिल करने जा रहे हैं। ये धोनी का 300वां वनडे मैच होगा। वो भारत की तरफ से 300वां मैच खेलने वाले छठे खिलाड़ी होंगे। उससे पहले सचिन, राहुल द्रविड़, मोहम्मद अजहरुद्दीन, सौरभ गांगुली और युवराज सिंह 300 का आंकड़ा छू चुके हैं। न्यूज़ एक्सप्रेस की रिपोर्ट।